नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। इसे कोई भी बना सकता है जिसे भी सीधा उल्टा बनाने आता हो, और आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे जेंट्स स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, कैप में, शूज़ में, सॉक्स में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए हमें सम की संख्या में फंदे चाहिए, यानी दो के मल्टीपल में हम कोई भी फंदे ले सकते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद पहली लाइन में हम अपने प्राइमरी कलर से सभी फंदे सीधे बनाते हुए दूसरी साइड में आ जाएंगे। ये हमारा बेस रो है, तो हमने सभी फंदे सीधे बना लिए प्राइमरी कलर से और दूसरी तरफ आ गए। मैं डिज़ाइन इसी के ऊपर बना रही हूँ, आप इसे पहली लाइन समझें। तो दूसरी साइड आने के बाद अपना हम सेकंड कलर अटैच करेंगे, फिर दो फंदा प्राइमरी कलर से हम उल्टा बनेंगे, फिर दो फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, फिर दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, फिर दो फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, फिर दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, नेक्स्ट दो फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, नेक्स्ट दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा और दो फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली गई है। अब ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है और सामने से, तो सेकेंडरी कलर वाले फंदे जो हैं वो हमें उल्टे बुन लेने हैं। और देखिए, ये दो फंदे प्राइमरी कलर के हैं तो इन्हें हम सीधा बुनेंगे, और ये दो फंदा सेकेंडरी कलर का है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे। नेक्स्ट दो फंदा प्राइमरी कलर का है, इसे हम प्राइमरी कलर के ऊन से सीधा बुनेंगे। नेक्स्ट दो फंदा सेकेंडरी कलर का है तो इसे हम सेकेंडरी कलर के ऊन से उल्टा बुनेंगे, यानी जो जिस रंग से है उसी रंग से बुना जाएगा। बस प्राइमरी कलर वाले फंदे सीधे और सेकेंडरी कलर वाले फंदे उल्टे बनाए जाएंगे। दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा बुनते हुए दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है और सामने से, अब ये दो फंदा जो है एक फंदा आगे बढ़ जाएगा, तो एक फंदा आगे बढ़ जाएगा तो ये फंदा जो है वो सेकेंडरी कलर का हो जाएगा, यानी थर्ड रो में एक फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, फिर दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, फिर दो फंदा, अब फिर दो फंदे, दो फंदे का क्रम चलता जाएगा, यानी दो फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, दो फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा। डिज़ाइन एक फंदा लेफ्ट हैंड साइड में आगे बढ़ गया है। बुना हुआ है, ये दो फंदा प्राइमरी कलर का है तो इसमें का पहला फंदा सेकेंडरी कलर से हो जाएगा। और देखिए, अब ये फंदा जो है दूसरा फंदा, ये प्राइमरी कलर से बुना हुआ है तो प्राइमरी कलर से बुना जाएगा, और इसमें का एक फंदा अब प्राइमरी कलर से हो जाएगा। डिज़ाइन एक फंदा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आगे बढ़ रहा है ये, और इसका नेक्स्ट फंदा दो फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा बना जाएगा, दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा और लास्ट फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा। देखिए, अब डिज़ाइन दाहिनी तरफ मुड़ने लगा है, और फिर पैटर्न वही है, सेकेंडरी कलर वाले फंदे उल्टे और प्राइमरी कलर वाले फंदे सीधे, सेकेंडरी कलर वाले फंदे उल्टे और प्राइमरी कलर वाले फंदे सीधे। इस तरह दो फंदा उल्टा और दो फंदा सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे।
फिफ्थ रो रॉन्ग साइड। अब फिर डिज़ाइन एक फंदा लेफ्ट हैंड साइड की ओर बढ़ेगा। तो देखिए ये एक फंदा सेकेंडरी कलर से है, तो अब ये दो फंदे सेकेंडरी कलर से हो जाएंगे। दो फंदे सेकेंडरी कलर से उल्टे, और फिर हमारा वही क्रम चलेगा, दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, दो फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, और दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा। डिज़ाइन सिर्फ दो ही लाइन का है, लेकिन हर उल्टी लाइन में डिज़ाइन एक फंदा आगे या एक फंदा पीछे बढ़ता या घटता है। एक फंदा आगे की तरफ जाएगा या फिर एक फंदा पीछे की तरफ। और फिर हमें प्राइमरी कलर वाले फंदे सीधे और सेकेंडरी कलर वाले फंदे उल्टे बनाने हैं। दो फंदा सेकेंडरी कलर का है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे, और ये दो फंदा प्राइमरी कलर का है तो इसे हम सीधा बुनेंगे। इस तरह दो फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा और दो फंदा सीधा। अब फिर डिज़ाइन एक फंदा आगे आ जाएगा, तो अब ये पहला फंदा प्राइमरी कलर से हो जाएगा, फिर दो फंदा सेकेंडरी कलर से, दो फंदा प्राइमरी कलर से, दो फंदा सेकेंडरी कलर से। डिज़ाइन दो लाइन का ही है, दो फंदा प्राइमरी कलर से। इस तरह दो फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो लास्ट में एक फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा आएगा। सामने से हमेशा पैटर्न वही रहेगा, प्राइमरी कलर वाला फंदा सीधा और सेकेंडरी कलर वाला फंदा उल्टा। प्राइमरी कलर वाले फंदे सीधे और सेकेंडरी कलर वाले फंदे उल्टे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब एक एक फंदा ये सामने की तरफ से ये देखिए दाहिनी तरफ मुड़ रहा है, तो एक एक फंदा आगे बढ़ते हुए ये देखिए एक दो तीन चार पाँच, ये पांच गुटके बन चुके हैं, यानी 10 लाइन कंप्लीट हो चुका है। तो अब डिज़ाइन एक एक फंदा ऐसे इधर की तरफ बाएं ओर जाएगा, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये ऐसे जिग जैग की तरह बनता जाएगा। तो इसके लिए अभी तक हमने एक एक फंदा बाईं ओर किया है, और अब हमें एक एक फंदा दाहिनी ओर करना होगा, यानी कि दो फंदे सेकेंडरी कलर से उल्टे हो जाएंगे और दो फंदे प्राइमरी कलर से उल्टे, फिर दो फंदे सेकेंडरी कलर से उल्टे, फिर दो फंदे प्राइमरी कलर से उल्टे। देखिए अभी तक हमारा इधर की तरफ बढ़ रहा था, अब वापस ये दाहिनी ओर जा रहा है, दो फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा और दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और फ्रंट साइड से हमेशा प्राइमरी कलर वाले फंदे सीधे और सेकेंडरी कलर वाले फंदे उल्टे बनाए जाएंगे।
अब फिर डिज़ाइन एक फंदा राइट हैंड साइड में आ जाएगा, यानी कि ये सेकेंडरी कलर का अब ये पहला फंदा जो है वो दूसरा फंदा हो जाएगा, और ये दूसरा फंदा है जो वो प्राइमरी कलर का पहला फंदा हो जाएगा। ये प्राइमरी कलर का पहला दूसरा फंदा है, ये सेकेंडरी कलर का पहला फंदा हो जाएगा। दो फंदे प्राइमरी कलर से, दो फंदे सेकेंडरी कलर से का क्रम चलना शुरू हो जाएगा। पहले फंदे में ही हमें ध्यान देना है कि डिज़ाइन को बाएं तरफ मोड़ना है या फिर दाएं तरफ। दो फंदा डिज़ाइन वही है, दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, दो फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा और दो फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, और सीधी तरफ से, सेकेंडरी कलर वाले फंदे उल्टे बुने जाएंगे और प्राइमरी कलर वाले फंदे सीधे बुने जाएंगे। डिज़ाइन बस दो ही लाइन का ही यही है, बस हमें फंदे को इधर उधर करके डिज़ाइन को मेंटेन करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जब 1 2 3 4 5 ये 5 गुटके बन गए हैं तो ये अब दाहिनी तरफ मुड़ना बंद हो जाएगा और ये डिज़ाइन बाई तरफ एक एक फंदे जाना शुरू हो जाएगा। और ये जो 10वां गुटका है, ये मतलब ये 5वां गुटका जो है ये कॉमन रहेगा। अब ये जब इधर मुड़ेगा तो इसको एक में काउंट करेंगे, ये 1 2 3 4 5। जब ये 5 कंप्लीट हो जाएगा यानी कि अब फिर ये डिज़ाइन दाहिनी ओर मुड़ना शुरू हो जाएगी, और इस वाले को फिर एक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। 5 कंप्लीट हो जाने के बाद इसको फिर हम बाएं तरफ मुड़ेंगे और इसको बाएं तरफ काउंट करेंगे, और ये 1 2 3, अब 4 और 5 फिर बनेगा, उसके बाद दाहिने तरफ। तो ये ऐसे जिग जैग बनता चला जाएगा। डिज़ाइन दो ही लाइन का है और हर रॉन्ग साइड से डिज़ाइन एक फंदा लेफ्ट हैंड साइड में या एक फंदा राइट हैंड साइड में जा रहा है। तो ये खूबसूरत सा जिग जैग बनता जा रहा है। सामने से जो सेकेंडरी कलर के फंदे हैं वो उल्टे बुने जाएंगे और प्राइमरी कलर के फंदे सीधे। तो डिज़ाइन बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में अप्लाई कीजिए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।